तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से आर्यन के व्लॉग्स में। आज है एक और नया दिन और डेली व्लॉग्स का एक और नया व्लॉग है और आज हम भाई के आईफोन से पूरा व्लॉग शूट करेंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये बनी की पूरी एक सीरीज वे टू केदारनाथ, बस इसी का इंतजार था। तो देखते हैं बन पाती नहीं बन पाती, तो अभी चलते हैं। फाइनली हमें पता नहीं अब हमें गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अभी चलते हैं और आगे आपको दिखाते क्या होता है। सभी से निवेदन है कि जब भी आप शहर की सड़कों पे निकले तो गाइस जस्ट अभी तक हम ऋषिकेश ही मतलब रिस्पे ना पहुंचे, अब हम यहाँ से बस जाने के लिए कर रहे हैं। तो गाइस जस्ट अभी हम ऋषिकेश की बस के लिए निकले हैं। लाइक पहले हमें घर से रिस्पना आना पड़ा, देन रिस्पना से ऋषिकेश की बस मिलती है क्योंकि केदारनाथ की भी डायरेक्ट मिल नहीं रही यहाँ से, तो फिर डायरेक्ट ऋषिकेश हमें केदारनाथ की बस मिलेगी। तो अभी डायरेक्ट यहीं बस में बैठे अभी हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे। अभी हम अब यहाँ थोड़े दो तीन शॉट लेते हैं, देन आपको डायरेक्ट ऋषिकेश में मिलता है। तो गाइज जस्ट अभी हम ऋषिकेश के बस स्टैंड पे है। लाइक तो अभी हम यहाँ से बस ढूंढ रहे हैं केदारनाथ के लिए, है ना भाई? बिल्कुल तो जैसे ही अभी हम यहाँ से बस मिलती है, पहले तो एटीएम जाना है ना, बस आगे का सफर चलते रहो और ये सीरीज कंप्लीट करके रहेंगे हम पूरी। ऊपर दिखा कुछ भी कैसे हो, देखो कितना प्यारा लग रहा व्यू है ना। तो कुछ भी हो जाए ये सीरीज तो कंप्लीट करके रहेंगे। तो चलो चलते हैं, अभी सबसे पहले बस ढूंढते हैं बस का कहाँ से है, जहाँ से भी है थोड़े बस का मिल जाए यार। केदारनाथ की इसलिए बस नहीं मिल रही अभी, तो उसी का पता करने चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। तो जैसे आपको अगर केदारनाथ के जाना हो तो वो भी मैं आपको बताते रहूँगा, जस्ट पहले हमें ही मिल जाए फिर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से जाना आपको। पहले खुद तो पहुँच जाए। तो गाइस हमें डायरेक्ट श्रीनगर तक की तो मतलब केदारनाथ तक की तो बस मिल नहीं रही है, तो हमें अभी जस्ट श्रीनगर तक की बस मिल रही है। तो फिर हमें यहाँ वरना रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं, तो हमें यहीं से निकलना पड़ेगा श्रीनगर, देन वहाँ से आगे जाके। पहला फायदा होता है इसका दर्दों में, गाड़ी में किसी को ट्राई लेना हो ट्राई ले सकते हैं। जैसे किसी के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पसली में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, गठिया का दर्द, बाई का दर्द, ये लगाते लगाते ही नसों में घुस जाता है। नसों के द्वारा ये हड्डियों में चला जाता है, हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है, फास्फोरस की कमी आ जाती है। तो गाइस पहले हम आए देहरादून से ऋषिकेश, हमें श्रीनगर की मिल गई बस, क्योंकि जो बस थी केदारनाथ की वो डायरेक्ट सुबह 4 बजे की थी और हमें 4 बजे तो हम उठ नहीं पाए, हमारा बट को ऐसी वापसी कर देना जिसको इच्छा है, जो को रख सकते हैं श्रीनगर करना पड़ेगा, देन केदारनाथ के लिए नाम हाँ। तो ये अंकल की भी बकवास सुन ली जाए थोड़ी सी, अंकल कुछ बता रहे थे ये सो ये दवाई ले लो, ये आते रहते हैं आते रहते हैं, छोड़ो इसे छोड़ते हैं हम आगे चलते हैं। अरे अभी नहीं, अभी थोड़ा ना हुआ, ऐसे ही नॉर्मल गाइस अंकल कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ तो तुम लोग जाते हैं इसीलिए वो, हाँ अगर मैं समझ गया, पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा छोड़ो, कुछ बोलना चाहोगे? कुछ सोचेंगे प्रधान जी, वो तो बताएंगे हमें। अभी यहाँ ये प्रधान जी कुछ सोच रहे हैं तो बताएंगे। चार चवन्नी बोले बहुत तेज हो रहा है, हैं बहुत तेज हो रहा है, सोचेंगे भी ऐसे थोड़े बोल देंगे और ये जीव जो भर जा कहीं कोई बात रखनी हो ऐसे थोड़ी, ये तो तुमसे बात कर दी है, तबीयत भी खराब है। अंकल बहुत अच्छी इंसान है। हाँ हाँ ये बात में सच है। तो अंकल राय जैसे कि आप देख लेते हैं, अंकल अपनी राय देंगे, तुम बस में अंकल इज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, तो अंकल अपनी राय देंगे। अंकल आप कौन सी सरकार चाहते हैं?
मैं मोदी सरकार का, मैं बीजेपी सरकार चाहता हूँ। अरे अंकल ने अभी बोला मैं विधायक बनना चाहता हूँ, अंकल बदल गए। अगर पैसे लूट, जिसके पास पैसे होते हैं वही विधायक विधायक बनते हैं, गरीब को मौका नहीं मिलेगा। जनता के पास अपनी बात रखेंगे, जनता के पास अपनी बात रखेंगे ईमानदारी से, ठीक है जो बजट आएगा अपना। तो अंकल की बकवास सुनते 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 अंकल ने मेरे भाई का अच्छे से पागल बना दिया। अंकल कोई विधायक उधायक थे नहीं, पर मेरा भाई यकीन मान गया था। तो ये सब छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे अपनी ट्रिप की ओर। तो अगले स्टॉप पे मिलते हैं। तो गाइस अभी जस्ट ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है तीन धारा पे। पहले हम पहले देहरादून से रिस्पना से ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर की बस, देन श्रीनगर का जो फर्स्ट स्टॉप श्रीनगर की टूवर्ड्स श्रीनगर की थी, उसका फर्स्ट स्टॉप था तीन धारा। तो अभी हम जस्ट तीन धारा में रुके हैं और यहाँ पर फोटोज खिंचवा रहा है भाई। भाई ने फोटोज वोटोज डाली है। अगर अभी भाई की फोटोज देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, है लाइक कमेंट शेयर सब करना। अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, फिलहाल तो नहीं जा रहे। तो भाई जस्ट अभी हम यहाँ पर खाने के लिए रुके हैं। तो अभी से हमने दो वेज थाली मंगाई है, इसमें हमें रोशनी दो रोटी तीन दाल और एक सैलेड मिले हैं। तो बस ये खा के डायरेक्ट थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेते हैं, देन चलते हैं अपने ट्रिप को अपनी पूरी कवर करते हैं। ओके अपनी ट्रिप पूरी कवर करेंगे। गाइस अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हैं। अभी जस्ट हमारा खाना हो गया लंच। हमने दो वेज थाली मंगाई थी, वो हमें बड़ी जस्ट 180 की। तो उसे खाने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हैं जब तक बस नहीं चलती। बस चलने का वेट करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे। बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। फाइनली हम फाइनली अभी जस्ट श्रीनगर हम पहुँच गए हैं। जस्ट अभी हमने श्रीनगर पे ड्रॉप किया है लाइक अभी जस्ट अभी यहाँ से हम केदारनाथ की गाड़ी ढूंढ रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से केदारनाथ से जाएगी। पता कर लो वो देखो एसी शौचालय अलग ही लेवल। तो गाइस बस अभी अपडेट करते रहना है और बस अभी तक हमें यहाँ से रुद्रप्रयाग जाना है, अभी हमें जस्ट अभी हम श्रीनगर में हैं। तो अभी यहाँ से अभी हमें कोई टैक्सी मिल नहीं रही है, तो पहले हमें यहाँ से रुद्रप्रयाग जाना। अभी हम श्रीनगर में, श्रीनगर देन रुद्रप्रयाग देन वहाँ से केदारनाथ के लिए मिलेगी। तो अभी हम वहीं चलते हैं डायरेक्ट। भाई जी अंकल बता रहे थे दो गाड़ियाँ और चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग, देन गौरीकुंड, तब जाके केदारनाथ। देखते देखते यार अभी पूछते यार किसी से जो जा रहा होगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, पर ये सीरीज हम कंप्लीट करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सीरीज तो कंप्लीट करनी ही है। देन स्टे ट्यून्ड और आगे हम बताते रहेंगे तुम्हें जो जो है, ठीक है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। क्यों बंद करना? ओह सर सेल्फी सेल्फी। ओके तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और अभी तक जस्ट हम फोन पे आप तक ही पहुँचे। भाई कसम से बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी है और अभी तक जस्ट यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बट कोई नहीं
अभी हम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल करेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं उतना पॉसिबल करेंगे। अभी देखो करें ना आपको देहरादून से बताया जैसे मैंने आपको पहले, लाइक देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर, श्रीनगर से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से आपका होगा नहीं रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद सोनप्रयाग शायद से, नहीं नहीं मैं जा कर घूम भी जाके बताऊँगा। अभी तो मतलब लाइक वेदर बहुत ज़्यादा सेक्सी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार हो रहा है। चंद्रपुरी का गाड़ी मिली है अभी, तो अपना शक्ल जस्ट अभी हमें गाड़ी मिली है चंद्रपुरी तक, उसके बाद हमें वहीं पर स्टे करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी जो है वो सुबह तक ही मिलेगी, देन हमें सेम डे में अप डाउन करना पड़ेगा, सेम डे अप डाउन। तो अब जस्ट हम पहले चंद्रपुरी में जाते हैं, तो जो ड्राइवर है तो इन्होंने बोला कि हम अपने वहीं पर वो दिला दूँगा तो चलते हैं। और एक और बहुत बड़ी चीज़ हो गई है वो मैं तो मैं डायरेक्ट रूम में जाके बताऊँगा, बाकी तुम शॉर्ट्स एंजॉय करो। तो गाइस फाइनली हमें रूम मिल चुका है, जस्ट वैसे हमें कोई वैसा बढ़िया सा रूम फैक्ट्री था नहीं मिला, अरे अरे तो भी ध्यान हमें बैंगलोर वैसे कोई इतना बढ़िया रूम नहीं मिला, बट ऐसा है कि इतना मिल गया है कि हम रात को रुक सके क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है एंड जस्ट 7 ही बज रहे हैं और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है। तो फिलहाल तो एक जो ड्राइवर थे अंकल ने उन्होंने हमें सस्ते में रूम दिलवा दिया था, तो जस्ट नाइट स्टे करना है अगले दिन हम कोई और रूम दे लेंगे। बट हाँ अभी करते हैं थोड़ा सा, अभी भूख भी बहुत लग रही है, नहाना है, पहले कुछ खाने चलते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर ब्लॉग एंड करते हैं आज का, देन कल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अभी रह गए कुछ जगह, अभी जैसे हमने कितना कवर किया, हमने किया स्टार्ट देहरादून, देहरादून से पहले रिस्पना, रिस्पना से ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर, श्रीनगर से, श्रीनगर से कहाँ गए तुम, सोन रुद्रप्रयाग, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से चंद्रपुरी, यानी चंद्रपुरी, और कल जाना है हमें, कल कहाँ जाना है हमें, सोनप्रयाग, कल हमें जाना है सोनप्रयाग, और फिर वो जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है हाँ जगह का नाम याद नहीं है वो कल बता दूंगा, और जितना भी ऑल ओवर बजट आता है हमारा मतलब कितने कम से कम हो सकता है वो भी बता दूंगा लास्ट मूवी के लिए। तो अभी जस्ट खाने जाते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आप हमसे डायरेक्टली, मेरे को काम होने लगा कि जो वीडियो फाइल्स है उसमें ट्रांसपोर्ट करनी है क्योंकि इतनी भी स्टोरेज नहीं है इसमें, एक दिखा दूँ दोनों बाहर का व्यू भी सही, मतलब इतना बुरा नहीं है ना। तो गाइज अभी हम आए इस रेस्टोरेंट में, मतलब ये हमारे होटल के पास ही था, तो देख सकते हो बढ़िया है, मतलब ठीक ही है, मतलब जस्ट बगल में, यहाँ से दूर दूर तक कोई नहीं था। तो अभी हमने यहाँ देखो भाई तुम्हारा भाई का ट्राई से आ गया कुछ, चलो चलो अब खाने के बाद मिलता तुम लोगों को। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, आज चीज़ें नहीं सिर्फ यहीं तक थी और कल हम स्टार्ट करेंगे, हमें एक जगह और कवर करनी है, उसके बाद हम और जगह कवर करेंगे तभी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचेगी। तो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखना और बिना सब्सक्राइब किए और शेयर करें।
तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से आर्यन के व्लॉग्स में। आज है एक और नया दिन और बेटू केदारनाथ का एक और नया व्लॉग। तो कल हमने जहाँ नाइट स्टे किया था तो हम अभी इतनी जगह कवर नहीं कर पाए। आज हमें दो जगह और कवर करनी है, यहाँ से सोनप्रयाग, देन सोनप्रयाग से घाट की तरफ, देन वहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी और हमें शायद अभी एक गाड़ी मिलना है। तो फाइनली गाड़ी मिल गई। चलो तो यस, यहाँ से होता है हमारा सफ़र स्टार्ट। आप सामने देख सकते हो इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू है। अब हम आज कोशिश करें कि जितना ज़्यादा कवर सकते हैं उतना कवर करें, एंड बाकी जितने अच्छे शॉट्स ले सकते हैं उतने लेने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आपको आगे मिलते हैं, आप शॉट्स का एंजॉय लीजिए तब तक। तो गाइस जस्ट अभी तक हमें गाड़ी मिलने के बाद अभी हमें सोनप्रयाग की गाड़ी मिली है। तो इससे हम अब सोनप्रयाग से अब गौरीकुंड जाएंगे, देन गौरीकुंड से होगी हमारी ट्रैकिंग शाम। तो अभी जस्ट हम यहाँ सोनप्रयाग तक पहुँचे हैं। तो सोनप्रयाग से ये जाएगी सोनप्रयाग तक, सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड ही मिलेगी हमें। अभी हम सोनप्रयाग नहीं, अब हमें यहाँ से गौरीकुंड जाना है। अरे जो भी है जाना है, बस यहीं जाना है, तो वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो अब शॉर्ट्स एंजॉय करते रहना, बस हम पहुँचने वाले हैं जहाँ तक ट्रैकिंग होने वाली है। तो गाइस बस होप बेस्ट फॉर अस, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलते हैं फिर। और कुछ बताओ अंकल आप हमें, और कुछ अंकल हमें नॉलेज बांट रहे हैं यहाँ पर। व्यू देख सकते हैं मतलब पांच लोगों का भला कर दिया ये मत मारो की इतनी गाड़ी बदल दी उतनी बदल दी, या तरह कष्ट नहीं दिया ना। अच्छा, अभी देखो हमको तो भगवान आराम से मिल रहे है कि नहीं। हम तो जा रहे हैं, अब उन लोगों ने तो हजारों साल तपस्या की, तब जाके उनको भगवान के दर्शन हुए, तब जाके उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए। हाँ, हम तो मुफ्त में मान के चलो, ऐसे ही फ्री में दर्शन कर रहे हैं। उन लोगों ने हजारों वर्ष अपने बर्बाद के लिए एक मंदिर वो है वहाँ पे, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। वापसी में होगी तब चले जाना, भाई टाइम लगेगा। गौरीकुंड में नहाने वाले वहाँ पर है, गर्म कुटा वहाँ पे वो जगह वही पे वो सब यही घट रखा है, सारी घटना है ना, शिव पुराण विष्णु पुराण में दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली बस केदारनाथ, अब आगे बस बस आगे का सीन दिखाते हैं। ठीक है ना, चलो अंकल ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। बाकी अरे हम अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, गौरीकुंड ना है ना, गौरीकुंड। यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा लाइन लग रही है, यहाँ से एंट्री होगी और केदारनाथ के लिए लाइन भाई इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी कि भीड़ इतनी ज़्यादा है। आजा करो ना, तो यहीं रहेगा तो यार अब लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। लाइन में खड़े होते हैं उसके बाद मिलते हैं, और भाई मिलना क्या, देखते रहो बस तुम आगे, क्योंकि वीडियो से लंबी होगी, वीडियो लंबी ही रहेगी। और क्या प्रिंट आउट किस चीज़ के लिए, आधार कार्ड। तो गाइस मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि आधार कार्ड तो मेरा ललित वाला, ललित का बैग मेरे पास है और ललित के पास मेरा बैग है, तो मैं उसके पास ही भूल गया हूँ, तो मैं वापस लेने जा रहा हूँ उसको। और लाइन बहुत लंबी लगी है, देख ओह मेरा बैग तेरे पास है, मैं अब वहाँ ढूंढ रहा भाई। प्रिंट आउट निकालने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी तब जाके प्रिंट आउट निकला है। अभी मेरा शायद
रैपिड वो हो सकता है लाइक आरटीपीसीआर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही रिपोर्ट है एंड लाइक मेरे को अभी सिर्फ यही दो निकला है मेरा और इसमें ही बहुत टाइम लग गया है और भाई का नंबर आ ही गया है भाई इस चीज़ के लिए ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कह सकते हो। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें ना अगर तुम आ रहे हो पहले से तो तुम घर से ही पहले से ही आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और अपनी दोनों डोज की वो फ़ोटो कापी ले कर निकलो, क्योंकि यहाँ पर ना फिर तुम्हें लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बढ़िया पहले से ही ले कर रखो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है अब हो गया तो देख सकते क्या होता है आगे, वो कहाँ है देखता हूँ पहले से ढूंढता हूँ। रुको तो जैसे अभी मेरे को आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास डबल डोज नहीं है तो मेरे को करवाना पड़ेगा, और जो ललित है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है उसकी जब तक लाइन आएगी आई होप तब तक मेरा हो जाए, तो अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है अगर तुम लोग आ रहे हो तो तुम्हें ना सबसे पहले एक मिनट पर तो तुम लोग आ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना क्या बोलते अगर तुम्हारी डबल डोज लगी हुई है तो उसकी फ़ोटो कापी रख लेना एंड अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कापी रख लेना, और नहीं लगी तो तुम्हें यहाँ पर आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा, देन तुम्हें जाके वो रजिस्टर करेंगे, देन तुम यहाँ से जा सकते हो। अभी मैं लाइन में लगा हूँ तो जैसी लाइन खत्म होती है तो उसके बाद जो होगा वो मैं दिखाता हूँ सीन, तभी तो मेरे को लाइन में खड़वाना पड़ेगा, देखते क्या क्या सीन होता है। ठीक है बस होप भी कर सकते हैं कि हो जाए जल्दी हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा वरना जल्दी नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्योंकि मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्राउड कितना ज़्यादा और कभी देख सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा है, तो आइडिया लगा सकते हो मेरे को वेट करना पड़ेगा तो जैसे ही हो जाता है उसके बाद मिलता है तुमसे डायरेक्ट। तो गाइस आफ्टर टेस्ट इतनी लंबी लाइन में खड़ोने के बाद रजिस्टर करवाने के बाद अब एक लास्ट बस रह गई है, अब जो हमें लास्ट गाड़ी रह गई है जो हमें यहाँ से पकड़नी है डायरेक्ट गौरीकुंड की। अभी जस्ट हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, हम काफ़ी देर से लाइन में खड़े हुए थे, उसके बाद मेरा टेस्ट भी हुआ था लाइक, तो उन्होंने 7 मिनट में रिपोर्ट्स दे दी थी, तो अभी देख सकते हो ऊपर और लोग भी है पर 12 बजे के बाद ये भीड़ ख़त्म हो जाएगी, ये 12 बजे के बाद अलाउड नहीं है शायद से जाना, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है बट आई डोंट नो। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहेंगे और चलते हैं अपनी सफ़र की तरफ, अभी बहुत दूर है सफर। आगे मिलते हैं तुम्हें अगले पॉइंट पे। अब तो गाइस देख सकते हो अब हम ना यहाँ से पहले हमें गौरीकुंड जाना था पर गौरीकुंड जाने के लिए गाड़ी के लिए लाइन कुछ ज़्यादा इतनी लंबी लग रही है भाई, तो हमने क्या तय किया है, हमने तय किया है कि हम जाएंगे पैदल, वो भी 4 किलोमीटर और, तो टोटल हमें कितना पड़ेगा 18+4 कितना होता है बताओ, 22 किलोमीटर, हमें 22 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा पैदल। क्या कह सकते हैं देखो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, ये सिर्फ गाड़ी के लिए, अगर तुम्हें यहाँ से गाड़ी में जाना है अब शॉर्टकट भी तो ले सकते थे हम, बताओ यहाँ से क्या बीच में घुसेगा भाई, बताओ इतनी लंबी लाइन है जस्ट गाड़ी में जाने के लिए, वो भी गौरीकुंड तक, वो गौरीकुंड के लिए गाड़ी जा रही है पर हम नहीं गाड़ी लेंगे, हम जाएंगे पैदल, पैदल यात्रा करेंगे। आई थिंक ये जो होने वाला है व्लॉग ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फिर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं सारी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो कोई नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी तो 2 पार्ट में कर लेंगे, आप लोग पहला भी देख लेना फिर दूसरा भी देख लेना। अभी हम यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं, इधर से स्टार्ट कर, तो ये गाड़ी वालों के लिए और ये पैदल वालों के लिए हैं, हल्के में ठसी हैं इतने में दो लोग आए, अब यहाँ से हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी है यार, करना तो पड़ेगा 4 किलोमीटर वो भी एक्स्ट्रा। अगर प्लेन जगह बना लिए
नो 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 बैड वर्ड्स। देख सकते हो वो लाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है सिर्फ गाड़ी गाड़ी के लिए, बट कोई नहीं हम पैदल ही आएंगे, पड़ जाएंगे ज़रूर। तो वही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लाइक जैसे तुम लोग को लग रहा होगा केदारनाथ आना बहुत ज़्यादा ही है। गूगल ने तो सिर्फ 250 किलोमीटर दिखाता है, वो 250 किलोमीटर के हिसाब से जो टाइम लगा है ना वो 250 से ज़्यादा ही लग रहा है ना, क्यों भाई? हमें सिर्फ एक दिन से ज़्यादा लग गया सिर्फ ट्रैवल करने में। भाई जी नहीं सोचा इन्हें बैठा नहीं, अभी 1 किलोमीटर तय कर कर लिया, बट हमने नीचे से ऊपर आ गए हम। चलो यार अभी बहुत ऊपर जाना है और भाई के पास बोझ, इतना सामान पता नहीं क्यों कपड़े कुपड़े लेके आने थे अपने। हाँ लगता है मेरे एब्स निकल जाएंगे आज तक, जितना कुछ है ना विटामिन सब हजम है। वो एक क्लाउड देखो अलग ही। तो चलो अब थोड़ा आगे मिलते हैं यार, थोड़ा बैग पकड़ना पड़ेगा। बताओ यार हम तब से चल ही रहे हैं, उसने इतना चल दिया कि उसने जूते भी उतार दिए अपने, गाने सुनते सुनते चल रहे हैं, थोड़ा एनर्जाइज है। अरे ना दोनों बैग हमारे मेरे पे, ये और ये, और खुद एक बैग लेके चल रहा है नंगे पैर। भाई इतनी गर्मी लग रही है ना, मन कर रहा है वहाँ एक नदी बह रही है वहाँ जाके नहा ले, वो देखो वो नदी में नहाने का मन कर रहा। अभी बहुत चलना है यार, बहुत गाने सुनते सुनते चलते, आगे आगे मिलते आपसे बताते आगे। तो फाइनली हम केदारनाथ में, क्या लिख रखा है हिंदी में लिख रखा, पढ़ नहीं आ रहा। अच्छा कुछ तो बोला पता नहीं, स्वागत है बस हमारा। भाई क्या बोला मेरे को वो बिल्कुल समझ नहीं आया, वो जैसा पता है स्वागत है हमारा, स्वागत बहुत अच्छी तरीके, हाँ इतना स्वागत है कि हमने पानी की बोतल भी नहीं दी, पैदल चलना पड़ रहा है। बस पहुँचे यार, प्यास लग रही है, पर यहाँ नेट की वायर्स है ज़रूर, देखो जियो की पानी की दुकान में मिल रहा है यार, पानी पीते हैं पानी की दुकान मिले बस। अरे अंकल कोई तो ले आ लो यार, हमें गाड़ी से ही नदी दिखाते हैं तुम्हें। भाई वो देखो कितना ज़्यादा पानी है वहाँ। तो गाइस ये है वो फाइनली जगह जहाँ से ट्रैक की स्टार्टिंग होगी, अब यहाँ से असली ट्रैक स्टार्ट होगा, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अरे ओके अब यहाँ से तुम्हारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, अब यहाँ से हमारी होगी ट्रैकिंग स्टार्ट बिल्कुल सीधी चढ़ाई, मतलब सीधी चढ़ाई नहीं मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। ले पकड़ियो आगे चलो, 2 मिनट ऐसे स्लो बना दिया स्लो में नहीं। अबे आओ यार चलो, ये केदारनाथ की मतलब यहाँ पर पानी नहीं तो मतलब घूम जाएगा यहाँ तक, वहीं असली ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ से चलते रहते हैं और चलते रहते हैं मार्केट देखते। All of the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different mode.
love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her go. भाई भाई इतने ऊपर तक ये पूरी ट्रेन लेके जाएंगे भाई, बताओ यार भाई ये घोड़ा इधर कहाँ है? तो भाई जैसे अभी हमने आधा रास्ता भी नहीं तय किया, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं तय किया होगा और थक चुके नहीं हाउस द जोश हाय सर। तो लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग एंड पहुँचते भाई आगे चलते हैं तो मैं बताते रहते हैं। अभी तो मैं भी पता कितना दूर और रह गया, कितनी दूर और जाना दूर। एंड गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, यहाँ आओगे तो तुम्हें वाटरफॉल देखने को भी मिलेगा, बहुत प्यारा पीछे पर जो पानी तो जा रहा है। एंड हमारा भाई वहाँ पर हम यहाँ पर टू मच पैन थक चुक रहे हैं, मतलब थकान लग रही है, अभी चलना है काफ़ी। Together it's a different mode. We getting crazy in a different room. तो गाइस व्यू देख सकते हो पीछे का कितना सेट व्यू आ रहा है। जस्ट अभी हमारी मतलब तुम आओ, तुम भी लोग आओगे तो अभी तुम्हारी 7 घंटे की सिर्फ फिर से चलने की लाइक होगी यार, हम बोल रहे थे 3 घंटे में कवर कर लेंगे, मैं ऐसा पास नहीं है। अभी हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, बहुत ही लंबा टाइम। और पीछे देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है दिखा, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, जो पीछे ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी तो बहुत गर्मी है और तब तक तो काफ़ी ठंडी भी हो जाएगी यहाँ पर, है ना। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा है, इधर दिखाओ नहीं है, इधर दिखाओ भाई। भाई बहुत टाइम लगेगा अभी ट्रैक में, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर घोड़ों को ये 4 घंटे रखते तो हमें तो हम 3 घंटे में करेंगे, घोड़े तो तेज़ भागते हैं, हो जाएगा हर बार। खेर कष्ट के लिए खेत है भाई, कष्ट तो होगा यार, बहुत लंबी चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं अब, देख सकते हो। पर मज़ा भी बहुत, अभी देखते हैं कब तक हो पाती है पूरी, ट्राई करते हैं जितना कवर कर सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब कवर करते हैं जगह को पूरा। तो यहाँ हमने अपना पहला स्टॉप लिया है, अंकल हमें खीरे दे रहे हैं, तो पहला स्टॉप यहाँ धनिश के आगे ले, बताओ ये क्या बनाना है आपको? दो ले ले, दो इधर दे, पानी जो पानी भी हमसे लोगे तुम्हारी, मैं तो आप बोल लेते ना कि इसमें बनाओगे क्या, रख लोगा तुम ऐसा है तो आप बोल, खाते हैं। अगर आपका मन करे तो आप भी यहाँ पर रुक के खा सकते हैं थोड़ा, अब ना रेगुलर एकदम पूरा कंटिन्यू नहीं छोड़ सकते, आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आया देन आप दोबारा स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। भाई देख सकते हो कितना प्यारा वाटरफॉल है जस्ट पीछे, कितना बढ़िया पीछे। अभी आधी हुई है, भाई कहाँ गया? अरे भाई कहाँ गया हमारा? अरे अच्छा आगे चल रहा है, चलो हम आगे ही चलते हैं, तो कंटिन्यू करते रहते हैं। अब तो मैं डायरेक्ट अगले स्टॉप पे ही रुकेंगे हम, ठीक है, वहाँ बैठ के थोड़ी सी बात बताते हैं, देन अगले स्टॉप पे, उसके बाद स्टॉप पे, देन स्टॉप 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 एंड आगे चलते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग जो भी जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा
इसके ढाई हैं। क्या हो गया, रुक जा ना, दिखा देख, देख देख गिर जाएगा पूरा। एनर्जी पूरी अभी हमारा दूसरा स्टॉप नहीं आया, मैं जल्दी आएगा, वहाँ रुकेंगे देन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती रहती है। तो यहाँ हमें बाबा जी मिलते हो, कुछ पता नहीं क्या है, कितना स्मार्ट लग रहा तुम, देखो स्मार्ट लग रहा है, सब कुछ हो गया। ए वो वाइट जैकेट चमक रही, जिससे तेरा फेस ना बिल्कुल वाइट चमक रहा। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं अंकल, दोबारा गा लो। तो अभी जस्ट दूसरा स्टॉप पे आए हैं, देन अब इसके बाद पहले यहाँ कुछ खाते हैं, देन इसके आगे बढ़ेंगे। अब तो सिर्फ दूसरा स्टॉप पे पहुँचे हैं और अब रह गया है यहाँ से 10 किलोमीटर, पूरा 10 किलोमीटर, दूसरे स्टॉप पे 10 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ हमने मंगाया मैगी और नाश्ता, बस अभी से नाम खाते मिलते रहे तुम्हें, फिर आगे चलते हैं और आगे खाते हैं। भैया भैया हर चीज़ डबल मिली, यहाँ रास्ता भी डबल है। ये भाई हमारे बहुत बढ़िया अच्छी मैगी बनाई इन्होंने, बहुत मज़ा आ गया खाके, खाके मज़ा आ गया। अगली बार इनके पास शेयर करो, फॉलो करो, जय बाबा की। ये देखो ये टैलेंट, दुकान को फॉलो करना, दुकान को फॉलो आओ तो यहाँ बस 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 तुम्हें दुकान के लिए इतनी दूर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन आप अभी हमें डिस्काउंट नहीं देंगे, तो अब हम इन्हें बाय बाय करते हुए चलते हैं यहाँ से। अब रह गए यहाँ से 10 किलोमीटर, पूरा 10 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भाई, यार जल्दी कर। चलो 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 चलते हैं यहाँ से, ठंड बहुत ज़्यादा। बैग उठा लेते हैं, वो बैग उठा ले, अभी ब्लॉगिंग करते हो हैं? आर्यन के ब्लॉग्स, आर्यन के ब्लॉग्स, मेरा ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया। क्या है आप बारे में? मुसाफिर सोमेश, मुसाफिर सोमेश। आपका? सही है। आर्यन के ब्लॉग्स, आर्यन के ब्लॉग्स। कितने बजे निकले थे आप? मैं निकला था लगभग, भाई ब्लॉग में हमें भी लौटे बिल्कुल यार। तो अभी लड़ाई पे, तो जस्ट अभी हमें एक बार भाई साहब मिल गए हमें। नाम क्या आपका? ललित। आर्यन, अपने चैनल का नाम बता दो। आर्यन के ब्लॉग्स। और भैया आप अपने चैनल का नाम बता दो। मैं हूँ मुसाफिर सोमेश। तो भाई भाई के चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करो और कमेंट में स्पैम कर देना आर्यन के ब्लॉग्स आए हैं। चलो भैया आगे मिलते हैं फिर, कम ऑन ब्रो, ठंड बढ़ती जा रही है और हमें आगे आगे और जाते रहना है। चलो आगे मिलते हैं, बहुत ठंड। तो गाइस जस्ट अभी हम उतनी दूरी से नीचे से शॉर्टकट मार के ऊपर तक चढ़ के आए हैं, अभी आधा पूरा वे रह गया है पूरा कवर करने के लिए। 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर सही में भाई, वो देखो पूरा नीचे से आ रहे हैं। और हमें जाना है उस ऊंचाई पर, जहाँ से मैं
देखो वो क्लोज ही है बस। बस फांसी रह गया, वो थोड़ा सा दूर है बस। तो गाइस अभी देख सकते हो वो व्यू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वो काश हम वहाँ तक जा पाते हैं पूरा उस पहाड़ का, पर हम वहाँ तक नहीं आ पाते। अभी इतना थकान लग गई है अभी जस्ट हमें, तुम वो देख सकते हो हमें यहाँ से होते हुए वहाँ से होते होते हुए अभी जितना हम आए हैं हमें उतना और चलना। तो तुम यहाँ आ रहे हो तो भाई पूरा बंदोबस्त करके आना तुम्हें रूम में। क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत थकान लगती है रूम वरना अभी बंदोबस्त करिए रुक। तो अब आगे आगे चलते दिखाते वो व्यू दिख रहा है कितना प्यारा लग रहा भाई। जन्नत है, स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर है, स्वर्ग से ऊपर है भाई। देख देख कितना प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो अभी तक हम यहीं पहुंचे और अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हैं ललित भाई अब यहाँ से रह गया है 6 किलोमीटर भाई, सही में बिल्कुल भी इजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं इजी है यहाँ तक आना भाई। हम लगातार हम कब से चल रहे हैं, हमें फिर भी क्या बोलते हैं गौरीकुंड से गाड़ी नहीं मिली, मतलब गौरीकुंड तक भी गाड़ी नहीं मिली। हम चल रहे हैं सोनप्रयाग से चल रहे हैं, लोग 18 किलोमीटर ट्रैक करते हैं, हमने भयंकर 22 किलोमीटर ट्रैक किया, मतलब अभी तक 22 किलोमीटर हुआ नहीं। जैसे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे केदारनाथ तक, आज भाई कुछ भी करना है और आज केदारनाथ तक जाना, तब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 22 किलोमीटर। एंड गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर देना भाई यार, व्यू देखो तुम। वहाँ बर्फ पड़ी हुई है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बर्फ, और मैंने आज तक बर्फ नहीं देखी, मतलब ऐसे हाथ में नहीं बोली वहाँ देख सकती। रात का व्यू ये दम आता है, अनफॉर्चुनेटली हमें कोई रूम नहीं मिला और यहाँ पर कोई नेटवर्क आ भी नहीं रहे तो दर्शन आज हो नहीं पाएंगे, कैसे भी करके आज दर्शन हो नहीं पाएंगे। कल सुबह हमें रात को जल्दी निकलना पड़ेगा या 1 या 2 बजे, तब जाके हमें सुबह थोड़े कुछ दर्शन नसीब होंगे भाई। अब यहीं पर रूम लेना पड़ेगा और रात को निकलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है, मतलब हम 20 किलोमीटर लगभग चल गए हैं सोनप्रयाग से, आज भी दर्शन नहीं हुए। लेना पड़ेगा हम भी रुकेंगे। तो अब हम अगर जब तक हमें रूम मिलता है उसके बाद ही मिलते हैं हम तुमसे डायरेक्ट, क्योंकि अभी तो इतनी जल्दी मिलने आना नहीं, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। तो गाइज अभी हम जस्ट यहाँ पर रुके हैं स्टैंड पे और यहाँ पर लाइक बस हमें ये टेंट मिला है, अभी कोई रूम समझ नहीं रहे। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इसका सेकंड पार्ट मतलब थर्ड पार्ट आएगा वो देखना। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अब चाहते डायरेक्ट सुने अभी बज रहे सुबह के 3 और हमारी 6 किलोमीटर की चढ़ाई अभी रह चुकी है और आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं से स्टार्ट। तो गाइस क्या हाल है सबके, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे भाई। बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे एक पैर ने तो काम करना बंद कर दिया। बहुत ही ज़्यादा अभी सुबह सुबह डायरेक्ट हमारे ठंड फेस पे पड़ रही है। मैं आगे जाके कोई दुकान पे वहाँ जाके रुकता हूँ, नहीं रह जाएगा भाई, हाथ बाहर निकलती जम रहा है, बहुत ठंड है भाई। अपना हार मान चुका है और थक गया, बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब चढ़ना हमें पूरा 1 दिन लग गया, 1 दिन से ज़्यादा, जबकि हम 1 बजे निकले थे फिर भी हम इतने सही टाइम पर ऊपर तक पहुँच गए थे जहाँ लोग
शाम को 5 बजे निकलने के बाद भी रात के 1-1 बजे पहुंच रहे हैं। हम वहाँ कुछ 5 आवर्स में पहुंच गए थे ना, 4-5 घंटे में। तो इफ़ यू थिंक ऑफ गिविंग अप देन रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। आसान नहीं है चढ़ना, बहुत मुश्किल है। 4 किलोमीटर लेफ्ट फ्रॉम आर फाइनल डेस्टिनेशन। वी आर 4 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम आर फाइनल डेस्टिनेशन। एंड इतनी स्टीप चढ़ाई, जस्ट अभी वहाँ तक और जाना है। 4, 3, 2, 1 आफ्टर ऑल एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क मेक अ विश गाइस फाइनली। बस कुछ देरी और, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लग रखी है। क्यों भाई? बिल्कुल, हमने कुछ ले लिया ये चीज़ें और वहाँ बैग वो अपना रख दिया। नहीं देखो, सफ़र बहुत दूर है, अभी भी काफ़ी टाइम है भाई। सफ़र का फल मीठा होता है। आगे बढ़ते जाओ, बस 3, 2, 1 देन बूम, वहीं दिखाऊंगा डायरेक्ट। अब एंड सी गाइस, लाइन देखो, चल करो। अगर दिख पा रहे तो मैं उजाला आ रहा है। लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ स्टोर्स में काफ़ी अच्छा अच्छा सामान है। लाइक मैंने काफ़ी 2-3 ले भी लिया है। अब मैं ना तुम्हें डायरेक्ट मंदिर के अंदर का सीन दिखाऊंगा भाई, एपिक जो होने वाला है, जो एकदम एपिक होगा। लाइक पीछे हिमालय वो लाइन लंबी, वो देखो, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, बट वहाँ पर वो जो बर्फ़ है वो अभी रोशनी पड़ने पर साफ होने वाली है। अब डायरेक्ट वहीं जाके तुम्हें शॉट्स दिखाऊंगा सारे। जय हो, जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हेशवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा।
गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा एपिक सीन है यहाँ का, मतलब अंदर बहुत मज़ा आया। होप यू गाइस मेक ऑल सम सब अपने लिए विश मांग लो अपने थ्रू से, हाँ सबको विश, मतलब मैं तुम्हारी तरफ से सारी विश मांग लूँ। तो गाइस इट्स टाइम टू से बाय टू दिस प्लेस, बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब लाइक यहाँ पर आके तुम्हें सुकून मिल सकता है, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। लाइक बस यहाँ की एक ही प्रॉब्लम है, नेट नहीं चलता, नेट नहीं चलता, बाकी तो अब यहाँ से हमारा टाइम हो गया निकलने का, लाइक अब निकलने वाले यहाँ से, बहुत टाइम लगता है हम यहाँ से घर भी वापस जाएंगे। सो यार आज के लिए अभी तो इतना ही था, अब आगे रस्ते में हाँ तो देख सकते हैं वो वहाँ से जो था वहाँ से वो पूरी बाढ़ आई थी वहाँ से, एंड वो जो उसके पीछे एक पत्थर है उसने इसे बचा लिया था पूरा, और यहाँ से वो जो पहाड़ है वहाँ पूरी बर्फ़ पड़ रही है, और यहाँ से वो जो भैरव का मंदिर होता है वहाँ का रास्ता जाता है यहाँ से। वहाँ हम अभी जा नहीं रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब हमें जल्दी जाना है घर, तो अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। बट पहले मेरे को दुकान में गूगल पे चल नहीं रहा है, गूगल पे करके मेरे को कुछ लेना था तो मैं पहले वो ले लेता हूँ, बट जैसे तैसे नेट चल गया फिर देखते हैं। तो गाइस देखो अभी भी कितनी भीड़ है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसमें लग गया क्योंकि एक अंकल को हमें गूगल पे करने थे, क्योंकि मेरे को वो कार्ड जो थे ना यहाँ से चाहिए थे, बट गूगल पे हो नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर नेट चल नहीं रहा था, बट अंकल ने विश्वास करके, भाई अंकल ने विश्वास करके बोला कि चलो तुम कार्ड ले आ लो और घर जाके गूगल पे कर देना, भाई अंकल ने दे दिया, भाई बहुत सही चीज़ है, भाई अंकल ने विश्वास करके दे दिया भाई। भाई पर मैं घर जाती जहाँ नेटवर्क आ गया वहाँ जाती अंकल को गूगल पे करता हूँ सबसे पहले, वहाँ पर है वो अंकल सबसे वहाँ पर ऊपर, उन अंकल ने भाई हमें समझ लो एक तरीके से 8 कार्ड फ्री में दे दिए, अंकल को जाते गूगल पे। अब चलते हैं रास्ते में बाकी ये सामान जो है, एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू केदारनाथ। बहुत अच्छा था, लाइन अभी भी देखो कितनी लंबी है, सिर्फ जन्नत के लिए कह सकते हो, मतलब यहाँ पर सुकून बहुत मिलेगा तुम्हें। बट अब घर की तरफ जाते हुए, एंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, घर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ अभी हमारा घर की तरफ का सफ़र होता है स्टार्ट, एंड घर की जैसे ही घर पहुँचेंगे वहाँ जगह एंड, तो मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, रास्ते में ही 2-3 शॉट्स होंगे बाकी। हाँ बिकॉज बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है और चार्जिंग पॉइंट कहीं नहीं मिला है, तो अब रास्ते में ही होगा जो होगा, बाकी मिलते आगे। फिर देन प्रे करो और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए। रास्ते में गाइस कुछ भी हो सकता है, मैं वहाँ से आ रहा था, मेरा पैर वहाँ पर लचका और मेरा पैर उठ गया, अब सीधा नहीं हो रहा था, कोशिश करता हूँ ट्राई करता हूँ सीधा बनने की। भाई ऐसी चीज़ें के लिए हमें पहले बॉल नहीं लेके रखना चाहिए था, और गर्म पट्टी भाई बड़ी मुश्किल से सीधा हो रहा है का। भाई थोड़ा सा रुको जरा, रुको रुको रुको, भाई की पैर में जो है कि मोच आ चुकी है, तो भाई अब लंगड़ा के चलता हुआ बेचारे को लाठी की बहुत ज़रूरत पड़ गई, अच्छा खासा आ रहा था। उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग रही थी, सिर्फ एक गाड़ी के लिए, और मैं लंगड़ा चला चल रहा। तो गाइस बस यही रही हमारी जर्नी, और अब हम डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं अपने घर के सफर की तरफ, क्योंकि हम और शॉर्ट्स ले नहीं पाए, हम जैसे तैसे हमारे पैर टूटते 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 मेरे पैर में सूजन आ गई थी, तो पहुँचे जैसे तैसे नीचे तक, हमें गाड़ी मिली रात को भी, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और लैंडस्लाइड हो चुकी थी, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच चुके थे, एंड देन हाँ सफ़र बहुत अच्छा रहा। आई होप गाइस तुम भी कभी आओ, और ये ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, तुम भी कभी आओ अपना ट्रैक एंजॉय करो, दैट्स इट। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगी है। मिलते हैं आप कभी और, टिल देन बाय बाय। Oh.
हाँ तो गाइस, तो यही थी जो थी केदारनाथ की ट्रिप। मैंने तीनों वीडियो एक साथ डाल दी है क्योंकि मेरे को डालनी थी ये वीडियो, तीनों एक साथ डाल दी। पहले वैसे मैंने अलग अलग फाइल में भी डाल रखे हैं, बट एक बार मैंने एक साथ डाल दिए क्योंकि जस्ट मेरे को वॉच टाइम थोड़ा बनाना था, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा वॉच टाइम की वजह से थोड़ा बनानी थी। एंड देन इसमें ना मेरे को बताना भी था कि मेरा लाइक कितना खर्चा आया केदारनाथ जाने का और कहाँ कहाँ से गए हम, क्या क्या किया। लाइक केदारनाथ जाने में तुम्हारा ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तुम ना 3,000 रुपये में भी आराम से जा सकते हो, जस्ट 3,000 में भी बहुत आराम से जा सकते हो, खा सकते हो आराम से। भाई हम पूरे रास्ते खाते पीते गए, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो जहाँ हमें भूख लगी हमने कुछ खाया ना हो, पैसे बचाए नहीं, हम खाते पीते गए आराम से, रहे भी बढ़िया तरीके से, सब कुछ हुआ। भाई तुम ना यहाँ से पहले तुम्हें यहाँ से बस मिलती है, वैसे तो ऋषिकेश से सुबह 4 बजे बस मिलती है जो डायरेक्ट केदारनाथ की तरफ ले जाती है, ठीक है। बट वैसे भी तो अगर तुम्हें वैसे जाना होगा तो वैसे तुम्हें पहले यहाँ से देहरादून से रिस्पना जाना पड़ेगा, देन रिस्पना से आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा, देन ऋषिकेश से आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, देन फिर वहाँ से आगे आगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट में आपको गाड़ियाँ मिलती रहती है छोटी छोटी, जो ट्रैवलर चलती रहती है मिलती रहती है, फिर आपको गौरीकुंड, देन गौरीकुंड तो लास्ट होता है। हाँ तो ये आपका गौरीकुंड लास्ट होता है, लाइक फिर उसके बाद आपको लास्ट स्टॉप होता है। फिर हम एक जगह रुके, देन हम आगे गए, फिर हमने एक जगह नाइट से भी गया था, उस जगह का नाम मेरे को पता नहीं है। और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है बार बार ये मैं जरा गौरव के लैपटॉप में ना वायरस हटा रहा हूँ सारे, तो उसकी वजह से आ रही है बार बार, तो वो भी करना है। और हाँ ज़्यादा तुम्हारा खर्चा नहीं आता, टोटल 3,000 रुपये आता अगर तुम दो जने एक साथ जा रहे हो, तो दो जने जा रहे हो ना ज़्यादा बेटर रहता है, तुम ना शेयरिंग में रहते हो, फिर शेयरिंग करते रहते हो, मतलब आधा वो आधा वो आधा पैसे आधा पैसे, तो इसमें तुम्हें रूम थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा ट्रैवल तो उतना ही होता है बट तुम्हें रूम वूम सस्ते पड़ जाते हैं ऐसे में, तो क्योंकि एक ही रूम लेते हो, देन तुम आधे आधे पे करते हो, उसके रूम सस्ता पड़ जाता है, खाना खाने में भी हो ही जाता है। बाकी तो सब बढ़िया था, तुम हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, हेलीकॉप्टर और जो खच्चर चलते हैं उनका एक ही सेम ही प्राइस होता है, बट लोग ज़्यादातर पता नहीं क्यों खच्चर से जाते हैं। हम तो पैदल गए थे भाई, हम पैदल आए थे, मेरा आते हुए पैर भी मुड़ गया था, तो यही था, बहुत अच्छी जर्नी रही बहुत ही ज़्यादा। बट मैंने सोच रहा हूँ कि अभी एक और बार जाने का, पता नहीं क्यों मन कर रहा है एक और बार जाने का, तो अब देखते हैं कब जाएंगे दोबारा, बट अगले साल ज़रूर जाएंगे दोबारा, दोस्तों के साथ जाएंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, और इस बार तैयारी के साथ जाएंगे पूरा कि क्या क्या लेके चलना है रास्ते में, पानी की बॉटल्स ORS एंड ऑल, ठीक है। इस बार मैं मूव भी लेके चलूँगा, पैर मुड़ जाएगा, या फिर सोचेंगे इस बार कि हेलीकॉप्टर से जाएँ। तो गाइस तुम जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके ही जाना, सब्सक्राइब कर जाना, शेयर कर देना, शेयर का बटन तोड़ दो, दबा दो, फोड़ दो, जो करना है कर लो, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं वीडियो सब लाता रहूँगा, तो बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड। अरे एक मिनट, अरे गाइस अभी एक चीज़ तो बता रहा, मैं भूल ही गया कि अब वीडियोज़ आने वाली है, और एक फिर अगर क्या बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो है वो भी लाऊं, तो अभी तो मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ, थोड़ा सा बल्क हो गया, देख सकते हो थोड़ा हैवी हो गया, मोटा मोटा था, तो अभी बल्क हो रहा हूँ, तो उसके बाद लीनिंग पे आऊँगा, तो थोड़ा थोड़ा कम करते 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 जाऊँगा, बाकी मसल तो बनती रहेगी। तो सोच रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो लाऊँ, तो कमेंट करके बता देना कि डालूँ या नहीं डालूँ वो। बाकी वीडियोज़ आप आती रहेगी, वीडियोज़ आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, अब मेरे को इसमें कंसिस्टेंट रहना है, सब कुछ छोड़ो अभी मेरे को इस पर फोकस करना है, इस पर ही फोकस रहेगा और इस पर ही वीडियो में कंसिस्टेंट लाता रहूँगा। और भाई सही में अब तो एड्स आने लग गए हैं वीडियोज़ पे, तो अब इस पर थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाना है, थोड़ा मोटिवेशन और लाना है, मोटिवेट हो रहे हैं हम क्योंकि एड्स आ रहे हैं, तो एड्स से हम क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो मोटिवेट होते 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 हमें अभी चलना है। बाकी हाँ बस बाकी आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, तो बाय। मन के मेरे भरम कच्चे मेरे करम लेके चले हैं कहाँ, मैं तो जानू ना तू है मुझ में समाया कहाँ, लेके मुझे आया मैं हूँ तुझ में समाया, तेरे पीछे चलाया तेरा ही मैं एक साया, हाँ कुन faya kun kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun kun faya 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 kun faya